बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर है, देश में ऑक्सीजन ना होने से हाहाकार। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में ऑक्सीजन ना होने से हाहाकार। दूसरी तरफ पेड़ों पर चल रहा है आरा। वन विभाग की मिलीभगत से लकड़ी माफिया सक्रिय। दुबग्गा वन रेंज काकोरी का मामला। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में ऑक्सीजन ना होने से एक तरफ जहां हाहाकार मचा है, वहीं दूसरी तरफ हरे पेड़ों पर चलाया जा रहा है आरा। वन विभाग की मिलीभगत से लकड़ी माफिया लगातार सक्रिय। दुबग्गा वन रेंज काकोरी का यह पूरा मामला, जहां पर हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑक्सीजन के चलते न केवल देश में प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में हरे पेड़ों को काटना एक बड़ी लापरवाही यहां पर शासन प्रशासन की, साथ ही साथ सरकार की माना जा रहा है कि प्रशासन की जानकारी के साथ ही चल रहा है ये व्यापार, जिसमें लकड़ी माफिया लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ ऑक्सीजन की कमी तो दूसरी तरफ लकड़ी माफिया हरे पेड़ों को लगातार काट रहे हैं। राजधानी में कोरोना अपने पैर लगातार पसार रहा है, ऑक्सीजन की भी किल्लत राजधानी में भयावह है। जो स्थिति देखते हुए ऑक्सीजन बाहर से अन्य देशों से मंगाई जा रही है, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है सरकार की तरफ से, उसकी अपेक्षा अगर देखें हम राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, यहाँ पर फलपट्टी क्षेत्र पड़ता है राजधानी के लखनऊ के मलिहाबाद और काकोरी में, यहाँ पर लगातार वन माफिया वन विभाग की उदासीनता के चलते, या यूँ कह लें वन विभाग की मिली भगत से हरे आम के पेड़ों पर आरा चलते नजर आ रहे हैं। बीती देर रात आज करीब मुर्दापुर गांव जो पड़ता है काकोरी इलाके का, वहां पर करीब एक दर्जन आम के पेड़ों को वन माफियाओं ने अपना निशाना बनाया है। अगर यही हालात रही तो इस फलपट्टी क्षेत्र में वह दिन दूर नहीं होगा जब यह फलपट्टी क्षेत्र पूरी तरह से गायब होगी और इस प्रदेश में और लखनऊ की राजधानी में काफ़ी जो है ऑक्सीजन की किल्लत और आगे बढ़ती नजर आएगी। कैमरा पर्सन ब्रजमान के साथ शिवम पांडे। और इसके बाद बात करेंगे हरदोई की। हरदोई से बड़ी खबर है, शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग। हरदोई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग।